गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कनेक्शन करना सीखेंगे एक सॉकेट, दो स्विचेस और एक फैन रेगुलेटर का। तो सबसे पहले हम इन्हें बोर्ड में फिट कर लेते हैं। अब हम इन्हें पीछे की साइड से देख लेते हैं। तो ये है हमारा सॉकेट। सॉकेट में तीन टर्मिनल होते हैं, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग का टर्मिनल। ये है हमारे स्विचेस। स्विचेस में दो टर्मिनल होते हैं। और ये है हमारा फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर में भी दो टर्मिनल होते हैं। कहीं कहीं पे ये वायर होते हैं और कहीं कहीं पर स्विचेस की तरह टर्मिनल दिए हुए होते हैं। तो चलिए अब हम इनकी वायरिंग करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे फेज वायरिंग। तो फेज वायरिंग के लिए मैंने ये रेड कलर का वायर ले लिया है और इसे हम कनेक्ट करेंगे दोनों स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल पर। यानी दोनों स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल्स को हमें कॉमन बना लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि फैन रेगुलेटर में हमारे पास ये दो वायर हैं और इस वायर की जगह हमारे पास इस तरह के टर्मिनल होते तो हम इस तरह का फेज वायर लेते और यहां से यानी कि स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से फैन रेगुलेटर के टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन हमारे पास अब वायर है तो अब हम इस वायर को ही स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। तो फेज प्लाई हमारी पहले स्विच से चली दूसरे में पहुंच गई। अगर हम दूसरे स्विच को ऑन करते हैं तो फैन रेगुलेटर में पहुंच जाएगी। फैन रेगुलेटर से इस वाले टर्मिनल पर पहुंच गई और इस वाले टर्मिनल से आगे सप्लाई भेजने के लिए हम यहाँ पर एक फेज वायर कनेक्ट कर देंगे और उस फेज वायर को हम कनेक्ट करेंगे फैन में। अब हम सॉकेट के स्विच का कनेक्शन कर देते हैं सॉकेट के साथ। तो उसके लिए हम लेंगे फेज वायर और इसे हम कनेक्ट कर देंगे सॉकेट के एल वाले यानी कि फेज वाले टर्मिनल से स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर। तो फेज वायरिंग हमने कर ली है, अब हम कर लेते हैं न्यूट्रल वायरिंग। तो न्यूट्रल वायरिंग के लिए मैंने दो ब्लैक कलर के वायर ले लिए हैं। इसमें से एक वायर को हम कनेक्ट करेंगे मेन सप्लाई के न्यूट्रल वायर के लिए और दूसरे को हम कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट फैन में। दोनों न्यूट्रल वायर को हम सॉकेट के एन वाले यानी कि न्यूट्रल वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं। न्यूट्रल वायरिंग हमेशा डायरेक्ट ही होती है। तो गाइज वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्टिंग के लिए जो हमारे फेज और न्यूट्रल है इन्हें हम मेन सप्लाई में लगा देते हैं। ये है हमारे सॉकेट का स्विच और स्विच को आप ऑन करके सॉकेट को यूज कर सकते हैं। और ये है हमारे फैन का स्विच। जैसे ही मैंने इसे प्रेस किया तो आप देख सकते हैं फैन नहीं चला क्योंकि फैन रेगुलेटर जीरो पे है। जैसे ही हम इसे एक पे करते हैं तो फैन चलने लगता है। इसी तरीके से आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं और माइनस में भी ले जा सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप एक सॉकेट, दो स्विचेस और फैन रेगुलेटर के कनेक्शन करना घर पे ही आसानी से सीख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।